पियानो बजाना सीख लिया। चिपी बात हुई केक का बदमाशी बंद करो और शांति से पियानो बजाओ। सॉरी डैड, संगीत मुझे पसंद नहीं। तुम्हें सब कुछ आना चाहिए केक, तुम्हें हर चीज में रुचि लेनी होगी। तुम अपनी जिंदगी डरपोक लोगों की तरह नहीं बिता सकते। डरपोक, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया डैड? कोई फोन करे तो मत बताइएगा मैं पियानो बजा रहा हूँ। ये भी हो सकता है केक के ये तुम्हें अच्छा लगे। हो ही नहीं सकता। बत्तियाँ, बत्तियाँ, बहुत सारी बत्तियाँ। पियानो की आवाज क्यों नहीं आ रही है? वो अपने आप नहीं बजता, चलो बजाओ। लगे रहो मुन्ना। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा बजाने लग गए हो केक। स्ट्रिंग्स भी बज रहे हैं और ड्रम वो नहीं सुधरेगा। भागो मत, अंदर चलो। अब इसे क्या हो गया है? मेरी आइसक्रीम खराब होने से पहले मैं इसे बच्चों में बांट देता हूँ। सर से मत बजाना केक और नहीं नाक से। ये देखो केक, इस मधुर बीट पे प्यारी प्यारी धुन बजाओ। हमेशा यही होता है, आखिर हम दोनों के ट्रक इसी जगह पर खराब क्यों होते हैं? अब मुझे इस नए रैंप को यहीं पर छोड़कर जाना होगा, बच्चे इस पर उधम मचाएंगे। कितनी बुरी किस्मत है मेरी। सीप को मत टोक, चलो पियानो बजाओ किक बटोस्की, लार मत टपकाओ। एक बात समझ लो, ना तुम मुझे पसंद हो ना मैं तुम्हें, लेकिन प्यार तो दिखाना ही पड़ेगा। मैं इसे नहीं बजा सकता। ठीक है, मैं टेप लेने बाजार जा रहा हूँ और सुनो, तुम अपना पार्ट पूरा करोगे। पता नहीं ये टेप खत्म कैसे हो जाता है। और सुनो, तुम पियानो छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, एक सेकंड भी नहीं, वरना मैं वो खबर लूंगा कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। शायद तुमने सुना नहीं, पियानो जहां मस्ती वहां। पियानो छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे, एक सेकंड भी नहीं। किक, तुम कहाँ थे अब तक? मैंने तुझे हर जगह ढूंढा।
ये तो बढ़िया वाला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ना। हाँ, लेकिन आइसक्रीम वाला तो चला गया, अब क्या करें? चल गंथर, पहियों पर जरा ग्रीस लगा दे। तुम्हें मम्मी डैडी चिल्लाएंगे क्योंकि पियानो घर पर बजाते हैं। हाँ, डैड ने मुझसे कहा था कि मैं पियानो के साथ ही रहूं। मेरे पियानो लेसन की सिर्फ जगह बदल गई है। और तेज चला गंथर। रफ्तार बहुत कम थी, लगता है रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, मगर कैसे? हम पहुंच गए केक एकदम ऊपर। शाबाश गंथर, अब वापस जाने के लिए काफी तेजी और रफ्तार मिलेगी। शुरू करते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया है। कर दिया ना सत्यानाश। केक, थोड़ा संभल कर चला, अपने दोस्त गंथर के बारे में भी सोचो। अब तुम क्या सोच रहे हो केक? अब क्या करने वाले हो? क्या बात है केक, तुम्हारा तो जवाब नहीं। आगे देखो केक, आगे देखो, अब तो रुक जाओ। ये तो कुंवारा ही रह गया। तुम्हारा शुक्रिया, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। ये कमाल संगीत का है मेम साहब। हाँ, कुछ लोग जानते ही नहीं कि बच्चों को काबू कैसे किया जाए। जरा अपने बच्चे पर भी ध्यान दो। ये बस ही करो, आप मेरे फूल सुरक्षित रहेंगे। केक, पियानो, तू तो ऑसम है। ठीक कहा था आपने, पियानो जहाँ मस्ती वहाँ। रुको रुको रुको, मुझे ये मत सुनाओ, तुम कहना चाहते हो तुम पूरे दिन पियानो के साथ थे? गंथर, ये सच कह रहा है। मैं इसकी गवाही देता हूँ। और आप कौन है देवी जी? मिशेल। और तुमने पूरा गाना सीख लिया? हुँ? जी हाँ, देख लीजिए डैड। तुम पहले रियाज तो कर लो बच्चे। लेकिन मैं तो सीख चुका हूँ। वो तो देख रहा हूँ। अब अपने बच्चे पर काबू पाकर दिखाओ। मैंने कहा था ना, डैड मैं बजा सकता हूँ, बस जगह बदलनी चाहिए। मेरी ऑसम साइकिल।
बिस्की के अजब गजब संग्रह में आपका स्वागत है। एक के पीछे एक आओ, धक्का मुक्की नहीं, मेरे पीछे पीछे आओ जल्दी से। ये क्या सारे सवाल संग्रहालय देखने के बाद पूछना? ये वो महान हेलमेट है जिसे पहन करके 1000 फीट ऊपर से कूदा था। और ये चला हमारा हीरो। और उसकी बर्फ की झलक तुम्हें याद ही होगी, क्यों? इतनी ठंड में भी हमारा हीरो कहाँ गया? और यह है उसकी खरोचाई हुई फटी हुई पपड़ीदार चमड़ी। किसी चीज को हाथ मत लगाना। और अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ संग्रहालय की सबसे मजेदार चीज। ऐसी ट्राइसिकल मैंने आज तक नहीं देखी। ये कोई ऐसी वैसी साइकिल नहीं है, ये है मेरी ऑसम साइकिल। किक की पहली 3 पाई। क्या बात है? इसका और मेरा साथ बहुत ही पुराना है। सज्जनों, ये रहा हमारा हीरो, अपने जिंदगी की पहली कलाबाजी कर रहा है। क्या बात है? एक बटा उसकी। बहुत सी पहली बातें हैं, पहली साइकिल, सर की पहली टक्कर और अस्पताल में पहली बार भर्ती, और वो भी पहले ही दिन। मेरी ऑसम साइकिल कहाँ गई वो? जब तुम वो बता रहे थे तो एक पिंक फ्रॉक वाली लड़की उसे ले गई। ब्रियाना, खबरदार अंदर आए तो। चुप रहो और पहले बताओ। मेरी ऑसम साइकिल, ये क्या किया तुमने? तुम तो इसे चलाते भी नहीं हो। ये ऑसम साइकिल है मेरी माँ, ये रिबन्स उसकी रफ्तार कम कर देंगे। और ये क्या किया बहना? जो मैंने दिया है अच्छा है ना? ऑसम साइकिल प्यारी नहीं होती। एक और बात, डैड से मैंने एक ऑसम तोहफा मांगा और मुझे मिली बहन। तुम्हें अकेले जाने से मना किया है, याद नहीं? फ्लैग से पूछ लिया है। आगे देखिए, लाइफ में कुछ ना करने के फायदे। यस। बहुत हो गया, अब हैंडल छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो। ए, नहीं छोड़ोगी? क्या कस के पकड़ा है? वो क्या है, मेरी ऑसम साइकिल पर झंडा? बिजली का खंभा। देखो वो सब छोड़ो, मुझे सब कुछ पता है। ये हे, मुझे गुस्सा मत दिलाओ बहना। चलो वापस भी करो, साइकिल वापस करो। घर पर मिलेंगे टाटा। छोटी बहन है इसलिए छोड़ दिया। सबसे औसम लड़की की तलाश में कंपटीशन। अपने आप को संभालो, ऐसा भी होता है। कॉम्पिटिशन में तो बहुत मजा आएगा।
शो 5 मिनट में शुरू हो जाएगा, जल्दी करो जल्दी करो। क्या बात है प्रियाना बटाउस्की, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मैं मॉम से पूछ ही रही थी कि आज दूसरा नंबर किसका हो सकता है, अब पता चल गया। पेनेलोपी पैटरसन, जरा हट जाओ, हवा आने दो। जल्दी करो, ये सब कपड़े मंच पर पहुंचाने हैं, जल्दी करो जल्दी। संगीत अच्छा है, पर क्या ये तुम्हें जिता सकता है? बालक की अदाकारी तुम्हें जिता सकती है? तुम्हें मानना पड़ेगा ब्रियाना, तुम हार जाओगी लेकिन हिम्मत नहीं हारोगी। इतने बकवास शो को कौन देखने आता होगा? अरे हाँ, गंधर। वो आ रही है। इशारा आने तक इंतजार करना। ब्रियाना, सर एक मिनट रुको, तुम हमेशा से मेरी पसंदीदा रही हो, तुम में वो बात है जो किसी और में नहीं। सच में? मैं तुम्हें अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ, जरा यहाँ। ठीक है, जरा और आगे आओ, बहुत बढ़िया। इशारा। नहीं, वो कपड़े तुम पर नहीं जचते हैं, ना ही उसका रंग जचता है। तुम स्केटबोर्ड पर ही अच्छे लगते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने आ रही है मिस पेनेलोपी पैटरसन। हम रहे या ना रहे, सिर्फ यही एक सवाल है। एक पहिए की साइकिल पर इस तरह कविता सुनना कितना बकवास है। क्या पीड़ों को सहना मन की निर्बलता है? कितने ना समझ है, तालियां बजा रहे हैं। ना स्टिकर, ना कोई चमकती चीज, ना स्टाइल, ना ही झंडा। खतरों के खिलाड़ी को चुनौती मत देना बहना। किसे चाहिए तुम्हारी खटारा साइकिल? तुमने पेनेलोपी को देखा? मैं मिस प्रिटी पिंक प्रेशियस कभी नहीं बनूंगी। ओ छोड़ो भी, उसमें ऐसा क्या है? और इस तरह हमारी सरलता हमें कायर बना देती है। कुछ तो है, ये तो मानना पड़ेगा। अब तुम्हारी बारी है ब्रियाना। बस हो गया, अब मैं जा रही हूँ। औसम साइकिल के सामने हारने की बात मत करना, तुम हिस्सा लोगी, मैंने कह दिया बस। ऑसम साइकिल जब आई थी तुमने हार मानी थी? नहीं। तब हार मानी थी जब तुमने इस पर गंदे गंदे फूल सजाए थे? नहीं। क्या तुमने तब हार मानी थी जब मुझे तुम्हारा पीछा करना पड़ा, करोचे आई, चक्कर आए और वो गंदा फंदा फ्रॉक पहनना पड़ा? नहीं। तो फिर अब हार मानने की बात मत करो बहना, तुम्हारे पास दिमाग है, हुनर है और है ये ऑसम साइकिल। और अब आपके सामने आ रही है मिस ब्रियाना पटोस्की और उसकी कातिलाना धुन वाली ट्राइक एक्स 5। तुम्हें लगता है मैं ये कर पाऊंगी? जिगरबाज तो तुम हो। हे, तुम मेरी बहन हो, कोशिश करके देखो। सही जा रही हो बहना। अब लगाओ ब्रेक, 3 2 1। बिल्कुल सही, अब ये तुम्हारी है। सच में? सच में। ये मैं सबको बताने जा रही हूँ। किक कैसे ही चलाना बहना, पैर संभाल कर और दीवार से मत टकराना। आगे देखिए, नाक में उंगली डालना अक्लमंदी की निशानी है। नई शोध के अनुसार ये हो सकता है। वाह,